क्योंकि डेडलिफ्ट आपकी ना पहले ही बहुत ज्यादा एनर्जी को खा जाएगा, जिससे आपकी जो और 5 4 40 5 4 3। तो देखिए, मेरे बॉस से भाई डिमांड कर रहे थे कि सर कोई बैक का अच्छा सा वर्कआउट बताएं। तो भाइयों, आज आपकी डिमांड पर हम लेके आए बैक का वर्कआउट। देखिए, सबसे पहले आपको समझाते हैं कि बैक का वर्कआउट हम किस तरीके से करेंगे। तो आपको डेमो देने के लिए मैं भाई को बुलाऊंगा। तो भाइयों, बैक के वर्कआउट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए, सबसे पहले करेंगे हम लैट्स का वर्कआउट। लैट्स का आपको पता है कि बैक की चौड़ाई के लिए लैट्स बहुत जरूरी है, तो लैट्स का एक्सरसाइज भी होगी, उसी में हम बैक की थिकनेस पे भी काम करेंगे। तो थिकनेस के लिए अलग से कंपाउंड एक्सरसाइज होगी, और साथ में हम करेंगे अपनी ट्रैप्स की एक्सरसाइज। देखिए, ट्रैप्स हमने शोल्डर में नहीं किए थे, इस वजह से हम ट्रैप्स को बैक में करेंगे, क्योंकि ट्रैप्स हमारे देखिए रोम्बर्ड से लेके यहाँ ये हिस्सा हमारा पूरा ट्रैप्स कवर करते हैं, और बैक में ट्रैप्स को ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है कंपेयर टू शोल्डर। तो भाइयों, फर्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी बैक की थिकनेस के लिए, जो एक हमारी कंपाउंड एक्सरसाइज है। इसके अंदर हम अपना बेंट ओवर रोइंग, साथ में सिंगल आर्म रोइंग और साथ में सीटेड रोइंग, तीनों एक्सरसाइजों को 10 सेकंड के गैप के बाद 4 सेट करेंगे इनके। तो आप देखना, आपको देख के पता लगेगा कि वर्क क्या मूवमेंट होगी, कितने रेपिटेशन होंगे और कैसे कैसे आपको वेट बढ़ाना है। तो आप देखने से ज्यादा समझोगे एज कंपेयर टू आप सुनने से। तो आपको सुनना नहीं है, आपको देखना है वीडियो को और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो भाइयों, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी बेंट ओवर रोइंग, इसके करेंगे 10 रेपिटेशन। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो अब इसके बाद सिंगल आर्म रोइंग, उसके 15 रेपिटेशन। पहला सेट 25 से स्टार्ट करेंगे अभी। 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1। तो भाइयों, लास्ट एक्सरसाइज होगी सीटेड रोइंग, इसे हाई रैप पे करेंगे, 20 रेपिटेशन इसके। देखिए, सीटेड रोइंग में एक चीज याद रखना, बॉडी को हल्का सा आगे फॉरवर्ड रखेंगे। तो भाइयों, फर्स्ट सेट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड सेट में थोड़ा वेट बढ़ाएंगे। तो आपको देखना है कैसे वेट बढ़ाएंगे और कितने रेपिटेशन जाएंगे। तो वीडियो को देखें आगे। तो भाइयों, सेकंड सेट 80 किलो से ट्राई करेंगे 10 रेपिटेशन पे। सिक्स सेवन एट। इसमें रेपिटेशन, इसमें सेम वेट रहेगा, सेम रेपिटेशन।
तो भाई 20 रेपिटेशन है। ओह तो भाइयों 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब सीधा आपसे लास्ट सेट में मिलेंगे, क्योंकि फिर आप बोरियत होगी, आपको भी ज्यादा सेट देखेंगे, तो लास्ट सेट को 100 के जिस करेंगे तो आपसे सीधे लास्ट सेट में मिलेंगे। तो भाइयों लास्ट सेट है, 100 के जी से ट्राई करेंगे, ट्राई क्या हो जाएंगे 10 रैप। तो आपको वेट को ना आराम आराम से बढ़ाना है, इस तरीके से रेपिटेशन को फिक्स रखना कि आपको 10 रेपिटेशन ही करने। तो करते हैं ट्राई। देखिए भाई सीधा फंडा बॉडी बनाने का ना, ना तो आप बिना जोर लगा के बॉडी बना सकते, और ना आप ऐसा सोच रहे हो कि आप इजी एक्सरसाइज से बॉडी बना लोगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बॉडी उनसे बनती है जिन्हें करने में आपको 10 बार सोचना पड़े। देखिए एक और चीज याद रखें, सबसे ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज यही है, तो इस वजह से जो सबसे हार्ड है उसे सबसे पहले रखें, जो जितना इजी है उसे बाद में रखें। एट नाइन हाँ इलेवन ट्वेल्व थर्टी फोर्टी फाइव फोर थ्री टू। तो भाई फर्स्ट कंपाउंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। देखिए थिकनेस के लिए, अब करेंगे हम बैक की विड्थ के लिए, बैक की चौड़ाई के लिए। तो बने रहे वीडियो में, आगे बैक की लेट्स और बैक की चौड़ाई के लिए एक्सरसाइज होगी। तो भाइयों देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड एक्सरसाइज होगी हमारी लेट पुल डाउन और चिन अप। तो देखिए इतना ज्यादा कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं है, आपको एक सेट करके दिखाऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से निकल लेना। देखिए आपको एक छोटी सी टिप्स दूंगा, जिस एक्सरसाइज में आपको लगे ना कि आपसे करनी बहुत भारी हो रही है या फिर आपका मन नहीं करता जिन एक्सरसाइजों करना, भाई उसी उन्हीं एक्सरसाइजों को करना, क्योंकि आपकी मसल बिल्ड वही एक्सरसाइज करेंगी। कभी ईजी एक्सरसाइज किसी की भी मसल बिल्ड नहीं करती, हमेशा आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और आपको अपनी मसल बिल्ड करनी है, चाहे बैक हो, बाइसेप्स हो, कोई भी मसल हो। तो भाइयों फर्स्ट एक्सरसाइज है लेट पुल डाउन, तो इसके करेंगे 15 रेपिटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसके साथ सुपर सेट होगी हमारे चिन अप्स या पुल अप्स।
तो इसके करेंगे 10 रेपिटेशन, क्योंकि 10 10 हो जाए वही बहुत है इसके। तो भाइयों इसके आपको 4 सेट करने हैं। देखिए आपको 4 सेट में करके नहीं दिखाना, क्योंकि इसमें ना आपको ज्यादा वेट बढ़ाना, आपको 15 रेपिटेशन डेड पुल डाउन और 10 रेपिटेशन आपको चिनअप्स करने हैं इसके 4 सेट। अब आपसे मिलेंगे हम अपने ट्रैप्स की एक्सरसाइज में। तो भाइयों लास्ट वर्कआउट होगा हमारा सरक्स और हमारे फेस पुल। देखिए ये हमारे ट्रैप्स के लिए होंगे, तो इन्हें भी हम सुपर सेट में करेंगे और दोनों के 15 रेपिटेशन आपको एक सेट करके दिखाएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो वो भी सही नहीं रहता। देखिए वीडियो के एंड में आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना बैक के रिगार्डिंग, सर हमें क्या करना है, आप ये कुछ भी आपकी जो भी इंक्वायरी होती है ना उनके सारे इंक्वायरी का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, तो वीडियो को पूरा देखना है। आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, सर डेडलिफ्ट कब करनी है, बैक के बाद करनी है, बैक के वर्कआउट से पहले करनी है, ट्रैप्स कब करने हैं, तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। देखिये 12वें सरक में ना एक काम करना है आपको, ज्यादा ना नैरो ग्रिप में नहीं रखना इनको, तो आपको जो हाथों की डिस्टेंस रहेगी ना वो शोल्डर से बाहर रहेगी। अगर आप नैरो ग्रिप में करोगे तो आपके ट्रैप्स इतने ज्यादा एंगेज नहीं होंगे। हल्का सा आगे बॉडी को टिल्ट करना है जिससे बाहर हमारे ट्रैप्स के नीचे आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1। अब इसके साथ करेंगे फेस पुल। देखिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ट्रैप्स के लिए अपराइट रोइंग वगैरह से, अपराइट रोइंग हमारे ट्रैप्स का वर्कआउट नहीं है, वो शोल्डर का वर्कआउट है, तो अपराइट रोइंग आप ना किया करें। तो भाइयों अपने बैक के वर्कआउट को यहीं भी खत्म करेंगे। देखिए अब बात आती है डेड लिफ्ट की, कि बहुत भाई पूछो सर आपने लोअर बैक का वर्कआउट नहीं किया, तो भाई मैं लोअर बैक का वर्कआउट ना अलग से करता हूँ मॉर्निंग टाइम में आके। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मैंने डेड लिफ्ट की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप डेड लिफ्ट को वहां से देख के भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरे बहुत से भाई हैं जिनकी जो इंक्वायरी होती है ना ज्यादातर डेडलिफ्ट से रिगार्डिंग होती है, कि उन्हें डेडलिफ्ट कब करनी चाहिए। तो मेरे भाई देखिए आपका इच्छा के ऊपर है कि आप डेडलिफ्ट एक्सरसाइज से पहले कर रहे हो या बाद में कर रहे हो, देखिए उस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैं डेडलिफ्ट करता हूँ वो या तो अलग दिन में करता हूँ या एक्सरसाइज के बाद में करता हूँ, क्योंकि डेडलिफ्ट आपकी ना पहले ही बहुत ज्यादा एनर्जी को खा जाएगा, जिससे आपकी जो और एक्सरसाइज है उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो आप डेडलिफ्ट को ना बाद में करें। दूसरा जो इंक्वायरी होती है कि सर हम जैसे आप लेट पुल डाउन कर रहे हो तो उसमें ग्रिप को कितना रखें, वाइड ग्रिप रखें या नैरो ग्रिप रखें। तो भाई अगर आप वाइड ग्रिप रखोगे ना तो आप अपने लेट्स को उतना ही कम इफेक्टिव बना रहे हो, तो आपको हमेशा अपनी जो ग्रिप है वो शोल्डर से थोड़ा सा बाहर रखनी है, ना ज्यादा वाइड ना ज्यादा नैरो। अब बात करते हैं ट्रैप्स की। तो मेरे बहुत से भाई इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ट्रैप्स को हमें बैक के दिन करना चाहिए या शोल्डर के दिन। तो भाई अगर मैं सजेशन दे रहा हूँ ना तो मेरी सुनो, आप ट्रैप्स को ना अपने बैक के वर्कआउट में करो तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा वर्कआउट, और आपके जो ट्रैप्स है वो बहुत ज्यादा एंगेज होंगे और गेन होंगे, उनका साइज भी गेन होगा। और अभी एक दो इंक्वायरी हमारी बेंट ओवर रोइंग से होती है कि सर हम बेंट ओवर रोइंग को मशीन पर करें या बार पे करें। अगर भाई आपकी जिम में मशीन है तो आप मशीन पे भी कर सकते हैं, हमारी जिम में मशीन नहीं है तो हम रॉड से करते हैं उस चीज को। तो भाइयों वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, अगर आपकी कुछ और भी इंक्वायरी है तो मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट उसके बाद उस पर शॉर्ट्स बनाऊंगा। तो अभी हमारी थोड़ी हालत ख़राब हो चुकी है वर्कआउट करने के बाद, तो वीडियो कहीं एंड कर रहे हैं। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।